नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिमू व्लॉग्स पर। दोस्तों आज हम आ गए हैं गोंड वीरांगना रानी दुर्गावती की समाधि पर। दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारा बरगी डैम का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलिए दोस्तों मैं अंदर ले चलता हूँ आपको वीरांगना रानी दुर्गावती की समाधि पर। दोस्तों अति पवित्र स्थल जैसे लिखा हुआ, जूते चप्पल बाहर उतारना है। सबसे पहले तो हम जूते चप्पल बाहर उतारेंगे और फिर अंदर जाएंगे। तेरी झलक शर्फी। दोस्तों ये है समाधि वीरांगना रानी दुर्गावती की। दोस्तों रानी दुर्गावती का जन्म सन 1524 में कीर्ति सिंह राजा के घर पर हुआ था। दोस्तों दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम रानी दुर्गावती पड़ा। दोस्तों विवाह के 4 वर्ष होने के पश्चात ही इनके पति दलपत सिंह का निधन हो गया। उसके बाद इन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बिठाकर उसके संरक्षक के रूप में राज किया। तो रानी दुर्गावती को तीर चलाने का और बंदूक चलाने का विशेष शौक था। उसके बाद इनके राज्य पर कई लोगों ने, कई मुगल शासकों ने आक्रमण करने की भी कोशिश करी। जैसे अकबर ने अपने रिश्तेदार को भेजा था पर वो असफल हुआ। उसके बाद जब उसने दोबारा अपने रिश्तेदार को यहाँ पर भेजा तब रानी दुर्गावती ने खुद पुरुष के वेश में वहाँ पर आके लड़ाइयाँ लड़ी थी। 3000 से ज़्यादा मुगल सैनिकों को उन्होंने मार गिराया था, पर इसके बदले में उन्होंने भी बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद जस्ट अगले दिन रानी दुर्गावती जब लड़ने गई तो वो पहले से ही घायल थी, पर उसके बाद हुआ ये कि उन्हें एक तीर आकर के उनके भुजा पे लगा, दूसरा तीर आकर उनकी आँख पे लगा, जिसके उन्होंने निकालने की कोशिश करी पर तीर जो था वो आँख में ही लगा रह गया। उसके बाद जो तीसरा तीर था जो वो उनके सीधे गर्दन पर आकर लगा। इसके बाद उन्हें लगा कि अब वे नहीं बच पाएगी, तो उनके पुत्र को उन्होंने किसी सुरक्षित जगह पहुंचाकर उन्होंने अपने सेनापति आधार सिंह को बोला कि वो उसे अपनी तलवार से उनका गला काट दे, पर उन्होंने नहीं काटा। फिर इसके बाद उन्होंने अपनी स्वयं की कटार से अपने पेट पर उसे घोप लिया और अपना बलिदान दे दिया, और इस प्रकार वे किसी भी मुगल शासक के हाथ नहीं लगी। दोस्तों ये थी वीरांगना रानी दुर्गावती, और दोस्तों इस प्रकार सन 1564 में वे वीरगति को प्राप्त हुई। दोस्तों जबलपुर का रानी ताल रानी दुर्गावती के नाम पर ही रखा गया है, और जो चीरा ताल है वो इनकी सेविका चीरा के नाम पर रखा गया था, और जो आधार ताल है जबलपुर में वो इनके सेनापति आधार सिंह के नाम पर रखा गया। दोस्तों रानी दुर्गावती की समाधि के पास ही रानी दुर्गावती की पूरी जीवनी को यहाँ पर चित्र के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है, बहुत ही सुंदर आकृति के रूप में, जिसमें उनका पूरा जीवन परिचय हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा रानी दुर्गावती का ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड डू टेक वेरी केयर ऑफ द सेल्फ।